Hello students, in a plus 2 physics we have sent one numerical to you. The statement is a uniform, you can see here, a uniform electric field of 10 newton per coulomb exists in the vertically downward directions. So see what is given, that electric field is there downward and it is 10 newton per coulomb. Okay, electric field naturally it is a vector. So one direction we will take positive, one negative. So along the x-axis we are taking upside positive and downside negative. So we are taking this electric field negative. Okay, this is given. Downside electric field is minus 10 newton per coulomb. Now it is asked that find the increase in the electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. अगर असं उपर जाते हैं तो पोटेंशियल का कितना इनक्रीज होता है, पहली चीज चलो डीप समझते हैं. समवेयर हेयर इज अ चार्ज पॉजिटिव एंड ड्यू टू दैट हेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. डेफिनेटली हेयर इज द हायर पोटेंशियल, हेयर इज द लोअर पोटेंशियल. इफ वन इज मूविंग अप 50 सेंटीमीटर नेचुरली द पोटेंशियल विल इंक्रीज. 50 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 meter, you know, in meters, right? अब ये कह रहा है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आधा मीटर ऊपर जाते हो तो कितनी पोटेंशियल का इंक्रीज हो जाएगा. ओके, चलो फार्मूले से पहले समझते हैं, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. मुझे फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो, E इज माइनस डी बी ओवर डी आर. डी बी निकालना होगा, माइनस ई डी आर. वट इज ई? माइनस 10. डी आर इज 1/2 एंड इट बिकम्स माइनस 2 माइनस प्लस एंड इट इज कट एंड हियर इज द 5 वोल्ट. दिस इज सेइंग दैट इफ यू विल मूव हाफ मीटर 1/2 मीटर अप देन देयर विल बी अ 5 वोल्ट इंक्रीज इन द पोटेंशियल्स. देखो बेटा, हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस आता है वो होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है. एक मीटर में 10 का फर्क आएगा तो आधे मीटर में कितना आएगा? 5 का. सिंपल इट इज, राइट? समझा रहे बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर टेकिंग, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लो जैसे एक छत के ऊपर दो ईंटें रखी हैं, दो ब्रिक्स रखी हैं, तो मैं पूछूं कि उनकी एनर्जी कितनी है, तो आप क्या करोगे? अब बोलोगे सर एक ईंट को लाने में जितना काम किया है, दूसरी को लाने में जितना किया है, उन दोनों को आप प्लस करो, उन कामों को, वर्क्स को, और उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आ गई. उसी तरह से दो चार्जेस रखे हुए, पहले हम लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम, फिर हम लेंगे n पॉइंट चार्जेस सिस्टम. तो दो चार्ज रखे Q1 Q2, तो Q1 को इन्फिनिटी से यहां लाने में जितना काम किया है वो निकालेंगे, देन Q2 को कितना किया है वो निकालेंगे, दोनों वर्क्स को प्लस करेंगे, वो इस सिस्टम की जिसमें दो चार्जेस हैं उन दोनों वर्क्स को प्लस करके इसकी एनर्जी आ जाएगी, राइट? सो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए वी आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट, राइट? एक चार्ज इन्फिनिटी से यहां लेके आए, यहां ऑलरेडी कोई फील्ड नहीं थी, तो वो चार्ज लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? W1 इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज मूव. बर्क का फॉर्मूला होता है ना बेटा, V इज इक्वल टू W ओवर Q. सो W इज इक्वल टू V इनटू Q. सो पोटेंशियल हियर इज नो पोटेंशियल वास, किसी की फील्ड नहीं थी, कोई पोटेंशियल नहीं होगी, और चार्ज हम लेके आए हैं तो वर्क कितना हुआ? 0. नो, नेक्स्ट इफ वी विल कैलकुलेट द वर्क टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट V, तो कितना काम हमने किया?
सिंपल, जब हम Q2 को यहां लाए तो इस Q1 की अब यहां फील्ड है ना, इसकी अपनी एक फील्ड है, इसने चारों तरफ एक फील्ड बना रखी है, तो यहां इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगी, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। कितनी पोटेंशियल? अगर ये डिस्टेंस R12 है, देन द पोटेंशियल हियर ड्यू टू दिस चार्ज इज 1/4 πε₀ Q1 एंड दिस डिस्टेंस R12 Q/R, यू नो द फॉर्मूला। सो कितना काम किया? पोटेंशियल एट V ड्यू टू Q1 इनटू चार्ज मूव्ड। कितनी पोटेंशियल है ये और चार्ज कितना लेके आए Q2? तो ये वर्क हमें यहां करना पड़ेगा। इसको लाने में किया जीरो, इसको लाने में किया ये वाला, Q2 से मल्टीप्लाई होके तो टोटल वर्क कितना हो गया? यही प्लस हो गया W1 प्लस W2, यही इस सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक, ये पार्ट अब आपको समझा गया होगा। नाउ एन पार्ट, एन पॉइंट चार्ज सिस्टम। सो नाउ वी हैव व्हाट? वन Q1 चार्ज, एंड टू ब्रिंग दिस चार्ज हियर, बिकॉज हियर इज नो फील्ड, नो वर्क इज डन। नाउ हियर वी हैव अ Q2 चार्ज, दिस डिस्टेंस इज R12। ओके, then you know what is the amount of work done, just we have calculated this much potential of this charge here and a charge moved, this is that potential and charge moved is this। just imagine we have a Q3 charge, now we are bringing it from infinity to this point, now it will be difficult little bit more because this also will have effect here, this also have effect there, means due to this Q1 here is a potential, this Q2 here is a potential. If this distance is R1 and this is 3, so R13, this is 2, then this we can write R23. This is important to note, 1 and 3 charge, then distance between them R13, 2 and 3 then R23. So to bring Q3 from infinity to this point, the work is W3, then this will be equal to potential due to Q1 here and potential due to Q2 here into charge brought, this charge, right? Potential due to Q1, 1/4 πε₀ Q1/R13, and due to Q2/R23 and charge move Q3. We will multiply Q3 inside and this can be written this way. Now just imagine we have one more charge Q4 here. Okay. So we are taking four charge system first of all, then we will change it to N system, N charge system, right? So now 1 and 4, this distance we will write R14, 2 and 4 distance R24, and 3 and 4 are 3, 4. Now see, when we will bring from infinity to this position, this Q2 charges, Q4 charges in fact, work will be done against the potential created by this Q1, by Q2 and Q3. So we have to find out the potentials. W4 work is potential due to Q1, Q2 and Q3 into Q4, the charge brought. The same formula is potential into charge. So due to Q1 potential, this is a Q1 charge, here is the potential, 1/4 πε₀, Q1 source charge and distance R14. Then because of 2, Q2 charge and R24. Due to Q3, Q3 charge and R34. Then again we will multiply inside, this becomes Q1, Q4, R14. You can note that, that here is 1/4 charge, then 1/4 distance, 2/4 charge, 2/4 distance, 3/4 charge, 3/4 distance, right? So what will be the total work done to bring all these four charges at their respective positions? We will take a sum. 0 plus 1/4 πε₀ Q1, Q2, R12. You can write from here. Then see, 1, 2. This is 1, 2, then 1, 3, 1/4 πε₀, Q1, Q3, R13. This done, this done.
then 1 4 1 over 4 pi epsilon naught q1 q4 and r14. These three done. Then 2 3 2 4 then 3 4, right? Then I am writing 1 over 4 pi epsilon naught q2 q3 r23 plus this is 2 4 q2 q4 r24 then q3 q4 r34. In fact, we can take this 1 over 4 pi epsilon naught inside, no need to write again and again. So this is, you can see q1 q2 q3 q4 I write. So 1 2 1 3 1 4, see 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4, then 3 4, all the possible sets we have written here, all the possible sets. So generally this work will be stored in this as a energy, as a potential energy, electrostatic potential energy. For an N charge system, we can change this in this way: 1 over 4 pi epsilon naught sigma qj qk rzk. Z is equal to 1, k is equal to 1 to n. I have written this j and k, 1 se n ko jata hai for n charge system, for n charges. है ना? So क्या हो गया? पहले one लिखो, q1 and q1, so k can be 1, but this is not here, है ना? So we have to change it later on. Just imagine, अगर n charges होंगे तो j 1 से n जाएगा और k भी 1 से n जाएगा. But generally हम इसको इस तरह से लिखेंगे, j 1 to n, k 1 to n, qj 1 over 4 pi epsilon naught qj qk rzk, right? And z never equal to k. So this is actual formula for a potential energy of n charge system. Why we say j 1 to n jayega, 1 bhi hoga, 2 bhi hoga, k 1 to n jayega, right? But ye dono barabar kabhi nahi hogi, never it will be. 1 1 nahi aayega, 2 2 nahi aayega, 3 3 nahi aayega. You can see here 1 1 or 2 2 3 3 कहीं नहीं आए, है ना? इकट्ठे नहीं है ना कहीं पे. सो ये कर दिया, राइट? जस्ट इमेजिन ये j1 है तो लिख दिया k1 और k तो 1 हो नहीं सकता बराबर, तो 2 लिख दिया, k 2 लिख दिया, तो बन गया k1 q1 एंड q2. अब ऐसे भी हो सकता है ये k1 हो और j2 हो, 1 एंड 2, तो ये तो रिपीट हो जाएगा, 1 2 भी आ गया और 2 1 भी आ गया. ऐसा तो नहीं हुआ कहीं 1 2 1 2 1 तो नहीं आया था कहीं, नहीं आया था. तो मतलब इस कंडीशंस में तो दो बार आ जाएगा 1 2, राइट? तो हमें इसे 1 by 2 करना, आता है तो आता रहे, दैट 1 by 2 कर दिया, हाफ अपने आप हो गया. सो दिस विल बिकम द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. बेटा सी द फार्मूला ले, सो दिस इज द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ एन चार्ज सिस्टम. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? नो बेटा, इफ यू विल इमेजिन दैट ऑलरेडी समवेयर देयर इज अ फील्ड, राइट? हियर इज ऑलरेडी अ फील्ड, ओके, एंड यू आर ब्रिंगिंग अ सिंगल चार्ज, देयर इज एक्सटर्नल फील्ड. सो ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एवरीवेयर देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्यू टू दिस फील्ड, राइट? सो लेट हियर इज अ पॉइंट एंड हियर इज द पोटेंशियल वी आर. And you are bringing one charge Q from infinity to this point, then definitely you have to do work. एक field लगी हुई है और आपको एक charge लेके आ रहा है, तो आपको काम करना पड़ेगा. तो कितना करना पड़ेगा? जितनी यहाँ potential है into charge. Simple. अब ये यहाँ potential external field की वजह से है. अगर ये field नहीं होती तो कुछ नहीं करना पड़ता, right? But just imagine that there are two points. So for a single charge, this calculated, right? Charges and potential equal external field. But just imagine here is a A point and here is a B point. Here is the potential V. And here is the potential again VR2. This is different one, VR1 and this is VR2. When you are bringing Q1 here,
you have to do work, that is called W1. What will be that? That will be the potential at this point into charge move. BR1 is the potential here, and the charge is Q1 you are bringing. Now when you are bringing Q2 from infinity to this point, you have to do work against the Q1 charge now, which is creating a potential here also, and against this external potential also. तो जब आप चार्ज Q2 लेके आ रहे हो तो आपको एक तो इसने पोटेंशियल यहाँ क्रिएट कर दी है, कितनी 1/4 pi epsilon naught Q1 एंड R12 है ना, एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक BR2 पोटेंशियल है. तो जो आपको वर्क डन है Q2 के लिए, पोटेंशियल एट V ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड की वजह से पोटेंशियल है, प्लस Q1 चार्ज ने क्रिएट कर दी है इनटू चार्ज ब्राउट Q2. तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से VR2 पोटेंशियल है और जो Q1 चार्ज है उसकी वजह से ये है. देन यू विल मल्टीप्लाई Q2 हियर दिस वे, देन टोटल वर्क कितना हो गया Q1 और Q2 को एक्सटर्नल फील्ड में लाने के लिए बेटा, W1 प्लस W2, राइट. सो W1 इज दिस एंड W2 इज दिस. तो एक्सटर्नल फील्ड में आप जो काम करोगे दो चार्ज के लिए वो यही करना पड़ेगा, राइट. एक बार फिर से डिवाइस करते हैं, अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड नहीं है वैसे दो चार्जेस पड़े हैं तो Q1 को लाने में कोई नहीं करना पड़ेगा, Q2 को लाने में करना पड़ेगा ये वाला. लेकिन अगर फील्ड लगी है तो जब आप Q1 को लाओगे तो भी पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल के खिलाफ, और Q2 को लाओगे तो भी एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल है, और इस चार्ज की प्रेशर की गेस तो करना ही है. तो ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी जब एक्सटर्नल फील्ड होगी. थैंक यू वेरी मच.